राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने खातर आज हो जलसो। जी हाँ, हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय रे आगे आज राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने खातर धरना लगाया गयो, जलसो कियो गयो और आ मांग की गई कि राजस्थानी भाषा ने राजस्थान के माँ जल्दी ही मान्यता दी जावे। मियाँ आया जी की मांग है वह बहुत लंबे समय में चलन लाग रही है और आज की बात को नहीं, 1944 में बंगाल के माँ भी अखिल भारतीय राजस्थानी साहित्य सम्मेलन हो बी टाइम भी राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने खातर पुरजोर मांग करी गई। 1968 के माँ भी पूर्व सांसद जेका डॉक्टर करणी सिंह वह लोकसभा में 8वीं अनुसूची में इन भाषा ने शामिल करण खातर निजी विधेयक भी पेश करे। वह बात को नहीं, नई बात पुरानी बहुत समय में चलन लाग रही है। आता ने बताना चाहवा कि 1983 के माँ राजस्थानी भाषा अकादमी की स्थापना बीकानेर में तो कर दी गई पर ई भाषा ने अजय तई मान्यता को नहीं देने लाग रहा। सरकार दोनों ही चुप है, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार। 1992 के माँ भी संसद और विधायक दिल्ली में मान्यता देने खातर धरना भी लगा चुके हैं और सन 1995 के माँ एक कमेटी गठन करी, प्रतिवेदन दियो, 104 विधायक हस्ताक्षर कराया, फिर दिल्ली भेजा पर होयो की कौनी। और 2003 में भी बड़ो जलसो जयपुर में हो चुका है, 2005 में हो चुका है और 2015 के माँ बम्बई सू दिल्ली तक इकती दूरी है। बांगे मायड़ भाषा री मान्यता खातर रथ यात्रा भी काट चुके हैं पर सरकार पर आजे कान पर जू कोनी रेंगण लाग रही और राजस्थानी भाषा ने मान्यता जी की देनी है वह देण कौन लाग रहा। समुचो राजस्थान में आ बोली बोली जावे और 10 करोड़ लोग आ भाषा बोलन रो प्रतिदिन प्रयोग करे फिर भी सरकार जागण कौन लाग रही। 10 करोड़ लोग जी की है राजस्थानी भाषा ने बोले, मातृभाषा ने माने और पार्टियां जी की है वह वोट लेने खातर तो राजस्थानी भाषा बोलने वाला आगे हाथ जोड़े और जब राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने की बात आवे जब वे अपना हाथ पीछे खींच लेवे। इस वास्ते राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने खातर प्रत्येक जिला के माँ ए जलसा हो रहा है, धरना हो रहा है और मांग कर लाग रहा है लंबे समय कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दी जावे। अब देखा राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है कद जागे कद आज की मांग बड़े लंबे समय चलन लाग रही है इन्हें कद पूरी करेगा और कद आंगी आंख खुलेगा नाक आंगा जो है आंख कान नाक है खोल के राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे दे तो लोगों ने बहुत ही आगे आने वाले समय में सुलित हो जाए और जिका टाबर राजस्थानी भाषा बोले बाने महत्व भी मिलेगा और बांगो जो को है आ लंबे समय जी की मांग करने लग रहा है वह भी पूरी हो जाएगी। राजस्थानी भाषा को गौरव दिन है और आज राजस्थानी भाषा ने हमारी मातृभाषा ने हमारी माँ भाषा मान्यता दिलाने खातर में आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने खातर आया और काफ़ी जना आज मतलब कि है कि राजस्थानी भाषा के खातर आया हेठ पूछे है। मैं वहाँ लोगों को स्वागत करूँ, धन्यवाद करूँ, मन बहुत बहुत बधाई मनोमान सम्मान करूँ और जब ताई राजस्थानी भाषा ने हमारी माँ भाषा मान्यता नहीं मिलेगी जब ताई मैं आंदोलन जारी रखांगा और मैं अभी सोच रखी है कि गांव गांव में जागे, शहर शहर में जागे और गांव की चौपाल में जागे हर आदमी से मैं बात कराँगा और गांव के लोगों ने भी मैं बताऊँगा कि अपनी भाषा जी की है, अपनी भाषा अपने कनिया छीन रखी, अपनी भाषा अपनी बाढ़ है और अपने राजस्थान का मैं अपनी भाषा नहीं मिलने सूँ। बाहर गज का लोग है, यूपी का लोग है, हरियाणा का लोग है, पंजाब गज का लोग है, वह अपने पर राज करने लाग रहे, वे क्यों करने लाग रहे कि अपनी माँ भाषा की मान्यता अपन को नहीं मिली। जब अपन मतलब मौकों को नहीं मिलने लाग रहे हो तो अपन अपने बच्चे की खातर, अपने भविष्य की खातर, मैं हमारे भविष्य की खातर, आने वाला भविष्य की खातर, सरदार भगत सिंह इन देश की खातर, आज भगत सिंह फांसी टूटे, आज आप एक सुख को सांस लेने लाग रहे, खुली हवा में फिरने लाग रहे, तो इन खातर मैं हमारे आने वाली सातवीं पीढ़ी खातर, भाषा खातर, हमारी माँ भाषा का माने चाहे मरणों पड़ जाए लेकिन माँ भाषा ने मान्यता दिलागे ही रहूंगा। जय राजस्थान, जय राजस्थानी भाषा। नाम बताइए अपना। छोटू राम कासनिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत खिनानिया। मैं सुरेंद्र कुमार स्वामी, मायड़ भाषा छात्र मोर्चो हनुमानगढ़ रो कार्यकारिणी सदस्य। आज हमारी मांगा इन भांत है, पहली मांग राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में डाली जाए, दूसरी मांग हमारी राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी बनाई जाए, तीसरी मांग जिकी रीट को एग्जाम चले अपने अध्यापक पात्रता परीक्षा बी में भी राजस्थानी विषय ने भाषा ने जोड़ी जाए, चौथी मांग हमारी यह है जिका स्कूल कॉलेज जिका रिक्त पद राजस्थानी का बे भरिया जाए, पांचवी मांग है कि जितना भी सरकारी विश्वविद्यालय मांग मांग राजस्थानी वो स्वतंत्र विभाग खोले जाए और विभाग में जिका असिस्टेंट प्रोफेसर है बांगा पद भरिया जाए, नेक्स्ट मांग हमारी यह है
कि राजस्थानी जिसको भर्ती लाकर कॉलेज में कहता कि गुड अकेडमी रिकॉर्ड को जो नियम है वो हटाया जाए। पांचवी मारी मांग है जीता भी स्कूल नौ करवंत हो रहे बा में तीन सब्जेक्ट चुनना पड़े तीन सब्जेक्ट आपके हिसाब बा में एक सब्जेक्ट राजस्थानी अनिवार्य रूप में दियो जाए। मारी यहाँ मांगा और विशेष तौर गौर किया जाए और आज आ मांगा लेके में प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं ज्ञापन सौंपया पूरा 33 जिला पर धरना प्रदर्शन कर ला रहे हमें। तो मेघ भाई जी एक बात पूछनी चाहूंगे थे शांतिपूर्ण 20 साल 30 साल लड़न लाग रहे हो लेकिन सरकार सुना को नहीं थे भगत सिंह बन के कद जागोगा इन खातर नहीं सुन ला रही सरकार। वर्तमान का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ मुख्यमंत्री मोदी को शिक्षा मंत्री मोदी को कि बांग मार्फतू अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मौके पर राजस्थान का माँ माइड भाषा राजस्थान दिवस मनाने को मना अवसर प्रदान करिए और कल पूरा स्कूलों में और राजस्थान के कॉलेजों में मनाया गया मातृभाषा दिवस मांग ले धन्यवाद है मांग बहुत बहुत और जरूरत पड़ी तो मैं भगत सिंह बनाऊंगा। जय राजस्थान जय राजस्थानी अपनो राजस्थान अपनी राजस्थानी।